जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। लोहा जब गर्म हो ना तो ही चोट मारनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बॉसेस एंड क्लाइंट्स पर ये मंत्र काम नहीं करता। अरे आप तो हंसने लग गए, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। यू नो बॉसेस एंड क्लाइंट्स के मामले में ना, जब उन लोगों का दिमाग गर्म होता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो इन केस अगर आपको कोई लीव सैंक्शन करवानी है या फिर कोई एक्स्ट्रा बजट पास करवाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। हाँ, बिकॉज उनका माला ऊपर का वैसे ही इतना गर्म, और ऊपर से आप पहुंच जाओ, सर मुझे छुट्टी चाहिए, वो कहेंगे हाँ परमानेंट छुट्टी लेकर बाहर हो जाओ। यू नो इन मामलों में कुछ उल्टा काम करता है। यहाँ ये मंत्र काम करता है कि स्ट्राइक व्हेन दे आर कूल। हाँ, कहने का मतलब ये कि अपनी बात को किस ढंग से किस टाइम पे प्रोजेक्ट करना चाहिए सामने वाले के सामने, ये बहुत मैटर करता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर देती है ये पॉलिसी। क्या, अरे भूल गए, वही स्ट्राइक व्हेन दे आर कूल। वैसे किस ढंग से हम अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं ना सामने वाले को, सारा का सारा खेल उसी बात पर डिपेंड करता है। आई मीन बात आप वही कर रहे हो, लेकिन अगर सही ढंग से दूसरे के सामने ना रखी जाए ना, कोई असर ही नहीं होता। इसी पर एक छोटी सी कहानी सुनाओ। एक अंधा लड़का सड़क के किनारे बहुत देर से भीख मांग रहा था। उसने एक प्लैकार्ड रखा हुआ था अपने सामने और साथ में था एक कटोरा जिसमें दो चार सिक्के थे। थोड़ी देर बाद एक राहगीर वहां से निकला, उसे उस अंधे बच्चे की तरफ देखकर बहुत दया आ गई। उसने उसका साइन बोर्ड उठाया और कुछ लिखा और आगे चला गया। जस्ट प्रोग्रेस को चेक करने के इरादे से वो एक घंटे बाद फिर उस रास्ते से आया, और वो क्या देखता है कि जो कटोरे में मुश्किल से 2-4 रुपए थे, वो पूरा का पूरा सिक्कों से भर गया था। इस पर वो उस अंधे बच्चे से पूछता है, अब खुश हो? तो जवाब में वो अंधा बच्चा बोलता है, भैया आपने ऐसा क्या लिख दिया था मेरे साइन बोर्ड पर? कहता, कुछ नहीं, तुमने लिखा था आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, मैं अंधा हूँ मेरी मदद कीजिए, और मैंने इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया था। मैंने लिखा इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग बट आई कांट सी इट, यानी ये खूबसूरत सी सुबह है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। ये लाइंस पढ़कर, ये पंक्तियां पढ़कर जितने भी आने जाने वाले थे ना, उनसे रहा नहीं गया और बस उन्होंने दिल खोल कर तुम्हारी मदद की। किस ढंग से हम अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, किस ढंग से हम अपनी बात सामने वाले के सामने रखते हैं, सारा का सारा गेम उसी बात का। जिंदगी का एक टुकड़ा, चख ले जरा। शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा जहाँ पर फैमिली मेंबर्स के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर टसल ना होती हो। और वो छोटी सी बात ऐसे हो सकती है कि अगर घर में बेटी को आलू का पराठा पसंद है, तो बेटे को ये प्रॉब्लम है कि मम्मा आपने आलू का पराठा क्यों बनाया, मुझे तो गोभी का पराठा पसंद है। बस इसी बात को लेके कलेश शुरू। कि आप तो उसका फेवरेट बनाते हो, मेरी तरफ तो केयर ही नहीं करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मतलब हर इंसान अपने आप में एक इंडिविजुअल है, तो जाहिर सी बात है थॉट्स भी अलग होंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में भी ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम शांत रहते हैं। शायद उनको ये वाला जो मंत्र है कि गुस्सा इंसान का हमेशा नुकसान करता है, या फिर गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, उन्होंने इस वाले मंत्र को ना, वो क्या कहते हैं, आत्मसात किया होता है, अच्छे ढंग से घोटा मार के पिया होता है। लेकिन कैसे कैसे पॉसिबल हो जाता है ये, शायद कोशिश करने से। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे ना, गुस्से में बोली गई बातें दूसरे के मन को ठेस तो पहुंचाती हैं, और सबसे बड़ी बात, रिश्ते बिगड़ जाते हैं इनसे। और एक बार जब रिश्तों में दरार आ जाती है, तो कोई प्लास्टर तो है नहीं, कोई POP तो होता नहीं जिससे कि ये फिर से जुड़ जाएं। वो तो बस एक बार टूट गए तो सालों कोशिश करते रहिए, फिर जुड़ने में नहीं आते ये। चख ले जरा।